Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have completed our lesson 5th of geography, water. The last topic was ocean current. Now we are going towards our 5th lesson of history, that is rulers and buildings, in which we are going to discuss about different major buildings made by different rulers, their architecture style and what are different building material was used in those buildings and what was specific or and unique points about those buildings. Now if you are going to observe all these buildings, then we observe that what a grandiose or a fantastic architecture style was there at that time, कि कितना शानदार भवन निर्माण उस टाइम पर होता था, किस प्रकार से शानदार कलाकृति उस पर बनाई जाती थी. अब उसमें अगर हम ऑब्जर्व करें, सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल देखा जाए कुतुब मीनार का, उसमें नीचे आपकी पिक्चर दे रखी है बुक में. इफ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर पिक्चर, देन ए बालकोनी, द फर्स्ट बालकोनी, इट इज 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 स्टोरी की है वो. उसमें एक फर्स्ट बालकोनी दे रखी है, उसके बाद देखो इसके ऊपर अलग डिजाइन बना रखे हैं, आर्चिस मतलब इस शेप में, जैसे ये है तो इस प्रकार के डिजाइन उसमें है. उसके साथ साथ उसके ऊपर देखोगे आप इंस्क्रिप्शन है, एक इंस्क्रिप्शन जिसमें कार्विंग कर रखी है और केवल स्पेशलाइज स्किल्ड पर्सन ही ऐसा कर सकते थे, यानी जो कुशल हो उस काम में केवल वही इस प्रकार कर सकते हैं. इतनी बड़ी बिल्डिंग उसके ऊपर अलग अलग शेप में एंगुलर है वैसे वो, उसमें अरेबिक भाषा में उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है. उसके बाद इसको बनवाया कब गया था, 1199 में, यानी आज से देखो कितने साल पहले, लगभग 800 साल पहले हमारे पास इतनी शानदार बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई, तो कितनी आर्किटेक्चरल स्टाइल हमारी कितनी रिच रही होगी उस टाइम के ऊपर. 1119 को तो दुनिया बगैर इसकी शुरुआत की थी, हालांकि उसको पूरा नहीं कर पाए, उसके पहले उनकी डेथ हो गई. इसको 1229 यानी लगभग 30 साल बाद इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया. उसके बाद भी व्हेनेवर मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड, जब ऐसा लगा इसे मेंटेनेंस की जरूरत है तो इसकी मेंटेनेंस भी कराई गई, चाहे उसके बाद जितने भी सुल्तान हुए, चाहे अलाउद्दीन खलजी रहे, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक रहे, उन्होंने समय समय पर इसकी मेंटेनेंस भी कराई और उसी वजह से आज तक ये मेंटेन भी है. तो उस टाइम पर अगर हम उम्मीद करें कि जब हमारे पास ईंट और पत्थर का इस्तेमाल बहुत कम होता था इन कंस्ट्रक्शन में, तो उस टाइम के ऊपर इतनी शानदार बिल्डिंग बनाना, इस प्रकार उसके ऊपर कार्विंग करना, तो कितना मुश्किल रहा होगा, किस प्रकार पॉसिबल रहा होगा उस टाइम के ऊपर. और ज्यादा जो बिल्डिंग उस टाइम पर बनाई जाती थी, तो अगर हम राजाओं की बात करें, If you are discussing about the kings, कि what type of building they are going to made at that time, तो उसमें अगर बात करें ज़्यादातर क्या बनाते, किले, forts, उसके बाद palaces, अपने बड़े-बड़े महल, garden residences, अपने रहने की जगह जिसके साथ garden develop कर रखे हों, यानी बहुत बार तो center में रहने की जगह और फिर चारों तरफ garden develop कर रखे हों, जैसे चार बाग आगे आपकी बुक में इसके बारे में आएगा, tomb, गुंबद, round shape में, मकबरा. तो ये महत्वपूर्ण राजाओं की अगर बात करें, तो जो निर्माण जो बिल्डिंगों का निर्माण करते थे कौन सी थी, जैसे फोर्ट, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंस और टोम. अब उसके बाद केवल यही नहीं था कि राजाओं का खुद का जीवन उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दे वर गोइंग टू रूल ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक, इतनी बड़ी पब्लिक के ऊपर शासन करते, देन दे आर सपोज्ड टू प्रोवाइड सम फैसिलिटीज फॉर देम ऑल्सो, तो उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं, तो पब्लिक बिल्डिंग्स यानी पब्लिक की सुविधा के लिए बिल्डिंग्स बनाई जाएं, तो उनके ऊपर फोकस किया जाता है. ये तो केवल अपने यूज के लिए की गई थी उनके द्वारा, तो उसमें उन्होंने बनवाए टेम्पल्स, पूजा स्थल अगर बात करें, ये हमारे पास श्राइन्स जहां पूजा के लिए पार्टिकुलर कम्युनिटी के अलग है, तो जैसे टेम्पल्स, उसके बाद मस्जिद, उसके बाद टैंक, पानी के सोर्सेज की बात करें, टैंक्स एंड वेल्स, की तालाब या किले बनवाए गए, तालाब या कुएं बनवाए गए, उसके बाद मार्केट डेवलप किए गए. तो ये किस लिए किए गए, जस्ट टू गेन द प्रेज ऑफ द पब्लिक, कि जनता उनकी प्रशंसा करे, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी बेसिक जो नेसेसिटीज है उनके लिए सारी चीजें डेवलप की जाए, उनकी रिक्वायरमेंट अनुसार डेवलप की जाए, तो इनके ऊपर फोकस किया गया. अब उसके बाद ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग्स केवल रूलर्स ही बनाते थे खुद के लिए या पब्लिक के यूज के लिए, उसके साथ जो बड़े व्यापारी थे वो डोनेशन भी देते थे कुछ इमारतों के बनाने में, और खासकर मंदिर और मस्जिदों के बनाने में, उसके साथ साथ खुद भी बड़ी बड़ी अपनी हवेलियां बनाते थे जिनके की आज भी रिमेन्स काफी जगह पाए जाते हैं. तो इस बुक में, इस लेसन में हम केवल यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार अलग अलग राजाओं ने किस प्रकार की इमारतें बनवाई, उनके अंदर विशेषताएं क्या थी, किस में कौन सी आर्किटेक्चर स्टाइल का इस्तेमाल किया,
तो आज के लिए केवल हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस लेसन का। इंट्रोडक्टरी पार्ट में केवल हम ये कि आज से हम हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी देखो ये 700-800 साल पहले कुतुब मीनार बनाई थी, तब इतनी शानदार आर्किटेक्चर स्टाइल को अपनाया गया, किस प्रकार स्किल्ड रहे होंगे वो लोग, किस प्रकार वो सारा कंस्ट्रक्शन किया गया होगा, तो इन सारी चीजों के बारे में, कौन सी बिल्डिंग की क्या कुछ इंपॉर्टेंस रही, क्यों बनाई जाती थी, किस राजा के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट ज्यादा थी, तो इन सारी चीजों के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। इट इज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर अस, ये केवल हमारे इंट्रोडक्शन के लिए कि लेसन में किस प्रकार क्या चीजें दी गई है। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अ वेरी सेम लेसन, और वी आर एक्चुअली कंटिन्यू विद अ लेसन इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।